स्टूडेंट्स, टुडे वील स्टडी कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट क्या होता है? हार्ट. कार्डियक मतलब हार्ट. हार्ट से कितना ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है सर्कुलेट होने, दैट इज आउटपुट. हार्ट का आउटपुट कितना ब्लड हार्ट फेंक रहा है पूरी बॉडी में. ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट हम 1 मिनट तक का लेते हैं कि 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पूरी बॉडी में भेज रहा है सर्कुलेट होने के लिए. तो लेट्स सी, जो मैंने अभी बोला है उसको हम डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं. ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट. और इसमें अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है कि इस डेफिनेशन के कीवर्ड्स हैं, दो कीवर्ड्स हैं, उसको मैं बोल्ड में लिख रही हूँ, ईच वेंट्रिकल. अगर आप ये भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो हमें ईच वेंट्रिकल याद रखना है. यानी कि अब हार्ट में क्या होता है, चेम्बर्स पता है सबको, हार्ट के दो एट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, चार चेम्बर्स होते हैं हार्ट के. तो हार्ट से जब भी ब्लड जाता है वो वेंट्रिकल के थ्रू जाता है और आर्टरीज में, फिर आर्टरीज लेके जाते हैं पूरी बॉडी में. ठीक है, और जब ब्लड को वापस आना होता है तो वो एट्रियम में आता है थ्रू वेन्स. इसको अभी हम नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझेंगे. अभी मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हम ईच वेंट्रिकल क्यों बोल रहे हैं. क्योंकि सर्कुलेशन हमारा राइट साइड का अलग चलता है, लेफ्ट साइड का अलग चलता है. ठीक है, तो जब भी ब्लड आता है एट्रियम में, एट्रियम से फिर जाएगा यहाँ पे वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से वापस आर्टरी में और बॉडी में, ये साइकिल चलती रहती है. तो एक वेंट्रिकल से, ईच वेंट्रिकल मतलब राइट वाला भी लेफ्ट वाला भी, 1 मिनट में 5 लीटर्स ब्लड पंप करता है. दिस इज एवरेज कार्डियक आउटपुट. CO मतलब कार्डियक आउटपुट की शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, तो एवरेज कार्डियक आउटपुट अब हर इंसान का अलग होगा. कोई छोटा बड़ा, बेबीज का कम होता है, बड़े होते होते बढ़ जाता है. जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है, क्योंकि हार्ट भी बड़ा होता है, बॉडी भी बड़ी हो रही है, ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है. तो इस हिसाब से, प्लस आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि आपका कार्डियक आउटपुट कितना होगा. ठीक है, तो ये हम एवरेज किस बेसिस पे बोल रहे हैं, एक एवरेज बिल्ट मैन, 70 kgs का एक आदमी इमेजिन कर लो, 70 kgs का एवरेज बिल्ट मैन, उसका कार्डियक आउटपुट होगा एवरेज 5 लीटर्स. तो हम इसको स्टैंडर्ड, जब भी एवरेज कार्डियक आउटपुट की बात करते हैं तो हम 5 लीटर्स लेते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारी एवरेज की बात. अब अपनी डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं. हमें ईच वेंट्रिकल का समझ में आ गया, मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट. ठीक है, तो इस डेफिनेशन के पार्ट्स कर लो, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट. ठीक है, ये हो गया हमारा कार्डियक आउटपुट. अब हम देखते हैं कि हम कार्डियक आउटपुट निकालेंगे कैसे. कार्डियक आउटपुट इज हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम. मतलब हार्ट रेट, अब इसके लिए हमें हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम को भी जानना पड़ेगा. तो जान लेते हैं, व्हाट इज हार्ट रेट. पहले मैं आपको इनका भी एवरेज बता देती हूँ. हार्ट रेट को हम एवरेज लेंगे 70 बीट्स पर मिनट. हार्ट रेट का मतलब क्या होता है कि कितनी बार हार्ट पंप कर रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक मिनट में. तभी इसकी यूनिट क्या है हार्ट रेट की, बीट्स पर मिनट, बीट्स पर मिनट, राइट. तो कितनी बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक मिनट में, दैट मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स
heart contracts in 1 minute. ठीक है, ये हो गया हमारा हार्ट रेट. क्लियर. अब बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की. स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम है हमारा अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल. ये तो हमारी सेम है कार्डियक आउटपुट जितनी. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? स्ट्रोक मतलब एक बार जब एक बीट हो रही है, एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इन वन कॉन्ट्रैक्शन. डिफरेंस क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट में? कि स्ट्रोक वॉल्यूम, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, वन कॉन्ट्रैक्शन में बता रहा है वन कॉन्ट्रैक्शन में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट हो रहा है वेंट्रिकल में से. ठीक है. और कार्डियक आउटपुट क्या बता रहा है? 1 मिनट में अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट. ठीक है. तो अब इसको 1 मिनट करने के लिए हमें थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ेगी. ठीक है. क्या मैथ्स लगाएंगे हम? 1 बीट में या फिर 1 कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है हमारा? कितना ml ब्लड पंप आउट हो रहा है? हम एवरेज मान लेते हैं 80 ml. ठीक है. तो 1 बीट में जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक वेंट्रिकल से निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? अभी हमने बात करी स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं. तो ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया 80 ml. ठीक है. ये भी एवरेज है. अब उसके बाद हम लेते हैं 70 हार्ट रेट. ठीक है. हार्ट रेट को हम 70 ले लेते हैं. ये भी एवरेज है. ठीक है. 70 बीट्स पर मिनट यानी कि 1 मिनट में हार्ट 70 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. अब एक कॉन्ट्रैक्शन में 80 ml ब्लड जा रहा है तो 70 बार कॉन्ट्रैक्शंस होगा तो कितना ब्लड जाएगा? 70 × 80. राइट. अब हमें क्या करना है? यूनिटरी मेथड लगाना है यहाँ पे, जैसे हम बचपन में मैथ्स में लगाया करते थे. ठीक है. एक बीट में 80 ml ब्लड तो 70 बीट्स में 70 × 80 ml ब्लड. हम यहाँ पे ब्लड की ही बात करें, यहाँ पे यूनिट ml ही आएगा. ठीक है. तो ये हमारा होगा कार्डियक आउटपुट. क्या हुआ? हमने हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे दिस इज योर हार्ट रेट, दिस इज स्ट्रोक वॉल्यूम. अब इसका जो आंसर आएगा दैट इज कार्डियक आउटपुट. ठीक है. अब हमने कार्डियक आउटपुट को बोला है 5 लीटर्स यानी कि 5000 ml, क्योंकि हम ml में बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ml में लिख दिया है, विच इज़ एवरेज. अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है उसकी एक रेंज होती है. एवरेज हमने, हाँ, हार्ट रेट को हमने एवरेज 70 लिखा है, स्ट्रोक वॉल्यूम का एवरेज होता है 70 × 80 ml. तो हम 70 × 80 के हिसाब से जब कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 70 × 80, तो हमारा आएगा 4900 ml से लेके 5600 ml तक. दिस इज द रेंज कार्डियक आउटपुट की. ठीक है. तो हमने इसके बीच का ले लिया 5000. इन दोनों के बीच में ही आएगा ये नंबर 5000, विच इज द एवरेज कार्डियक आउटपुट. एंड इट वेरीज अकॉर्डिंग टू आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो. डिपेंड्स अपॉन कार्डियक आउटपुट, डिपेंड्स अपॉन फिजिकल एक्टिविटी. जो एथलीट्स होते हैं जिनको ज़्यादा, अब जो ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की, ब्लड की, तो अपने आप कार्डियक आउटपुट धीरे धीरे बॉडी अडैप्ट करती है और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है. ठीक है. तो कार्डियक आउटपुट डिपेंड्स अपॉन फिजिकल एक्टिविटी. हमारी बात हो गई कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कार्डियक आउटपुट को. दिस इज हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम. और हम क्यों इंटू कर रहे हैं, हमने ये भी सीख लिया थोड़ा सा मैथ्स लगा के.
अब हम ब्लड सर्कुलेशन देख रहे थे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो अब उससे पहले हम देख लेते हैं कार्डियक आउटपुट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी कार्डियक आउटपुट कैसे बढ़ता है, कब कम होता है, ये देख लेते हैं। फिटनेस लेवल्स की तो हमने बात करी, जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, अगर आप एथलीट हो, ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। फिटनेस लेवल से क्या बढ़ेगा, हार्ट रेट भी बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब जो जो चीजें हार्ट रेट को अफेक्ट करती हैं, वो चीजें कार्डियक आउटपुट को भी अफेक्ट करेंगी, सेम गोज विद स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। हार्ट रेट में हो गया हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट में हो गया फिटनेस लेवल्स, और क्या हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स को हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल थायराइड हॉर्मोन। अब थायराइड हार्मोन से जुड़ी दो चीजें हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में, जिसमें सब कुछ कम हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, अल्टीमेटली हार्ट रेट कम होने से क्या होगा, अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में बिल्कुल इसका उल्टा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल था, इस तरह से हॉर्मोन्स आपके यहाँ पे हार्ट रेट को अफेक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अगेन इसमें फिटनेस लेवल्स आपके रिपीट हो रहा है ये पॉइंट, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज उतना ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। उसके बाद हमें तीन चीजें इसमें याद रखनी है स्ट्रोक वॉल्यूम को, जो इम्पोर्टेंट तीन चीजें अफेक्ट कर रही हैं। कैसे याद रखेंगे हम, सीएपी कैप, सी से कॉन्ट्रैक्टिलिटी। किस चीज की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जितना हार्ट ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उतना ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, उतना ज्यादा ब्लड बाहर पंप आउट करेगा वो। देन आफ्टर लोड एंड प्री लोड। आफ्टर लोड और प्री लोड की हम अभी बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। आपको ये तीन पॉइंट्स याद रखने हैं। फिटनेस लेवल्स तो एक्सरसाइज तो एक बिल्कुल जनरल पॉइंट है, कोई भी बता देगा। आपको क्या याद रखना है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, आफ्टर लोड, प्री लोड। अब आफ्टर लोड और प्री लोड क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, प्री मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। तो प्री लोड है जो पहले ब्लड है, यहाँ पे देखो प्री लोड है आपका सिस्टोल होने से पहले वाला ब्लड, यानी जो आपका हार्ट में आ रहा है, दैट ब्लड इज प्रीलोड। एंड व्हाट इज आफ्टरलोड, जो ब्लड यहां से जा रहा है, दैट इज आफ्टरलोड। इन वेरी जनरल टर्म्स, जिससे आपको समझ आ जाए, ये है प्रीलोड और आफ्टरलोड। अब हमें बात किसकी करनी है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की। यहीं पे लिख लेते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब इससे पहले आपको डायस्टोल और सिस्टोल के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है, डायस्टोल इज रिलैक्सेशन, ये है आपका रिलैक्स्ड हार्ट, ठीक है। आफ्टर डायस्टोल हार्ट रिलैक्स होता है, डायस्टोल वाले पीरियड में हार्ट रिलैक्स होता है और सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो पंपिंग के टाइम जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हम उस पीरियड को बोलते हैं सिस्टोल, और जब उसके बाद हार्ट रिलैक्स हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। अब जब रिलैक्स होगा तो उस टाइम पे हार्ट में फिलिंग होती है, एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आता है, यहाँ पे लिखा है फिलिंग। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल से आगे जाएगा ब्लड, और जब रिलैक्स करेगा तो एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा ब्लड, ठीक है। तो पंपिंग के टाइम पे होगा सिस्टोल और फिलिंग के टाइम, डायस्टोल के टाइम पे फिलिंग होगी ब्लड हार्ट में, वेंट्रिकल्स में। तो हम ये सिस्टोल और डायस्टोल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है, हमें निकालना है स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन में हार्ट कितना ब्लड पंप आउट कर रहा है, हमें ये निकालना है। अब देखो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, नाम से पता चल रहा है डायस्टोल के एंड में
यानी रिलैक्स हो चुका है, अब सिस्टोल आने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, जस्ट उससे पहले कितना वॉल्यूम है अभी वेंट्रिकल में, वो है हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि इस जो मैंने लेवल बनाया यहाँ पे इतना है, हम मान लेते हैं कि इतना है, ठीक है, ये हमारा ईडीवी है। अब इसके जस्ट बाद होगा सिस्टोल, अब किया हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो इसने ब्लड भेज दिया बाहर, विच इज योर आफ्टरलोड। आफ्टरलोड हमारा रेजिस्टेंस है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम ब्लड जा पाएगा, ठीक है। अब आफ्टर द सिस्टोल कितना ब्लड बचा हार्ट में, दैट इज ESV एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी इतना बचा, ठीक है, इतना ब्लड चला गया, कितना चला गया, इतना। तो यही हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, पहले जितना था और अब जितना है उसको हम माइनस कर देंगे, हमने किसको माइनस किया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया स्ट्रोक वॉल्यूम। बस यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यही समझाने के लिए मैंने डायस्टोल और सिस्टोल की कहानी बताई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।